तो इसका मतलब क्या है, क्या है भाई इसका मतलब? जब हम भक्ति करते हैं और भक्ति करने वालों की शरण में बैठते हैं तो इसका मतलब ये है दुनिया की सारी डिग्रियां फीकी है किसके सामने। तो जब हम अपने बच्चों को भक्ति सिखाते हैं तो हमने अपने माँ बाप होने का फर्ज पूरा कर दिया, वरना तो हम धोखेबाज हैं। अपने बच्चों को हम भक्ति प्रदान नहीं कर विश्वासघाती हैं प्रत्येक वो माँ बाप जो अपने बच्चों को भगवान से नहीं जोड़ते, जो मूल में सबके काम आना है, जो ब्रह्म है जिसको सबको ध्यान है, जिसको ध्याय बगैर किसी का काम नहीं चलेगा, गुजारा नहीं चलेगा, वो कौन है? वो ईश्वर है, जिसको पाने के बाद ही परम शांति मिल सकती है, उसके बिना परम शांति आपको कदापि मिल नहीं सकती। इसलिए जो भक्ति करते हैं और भक्ति सिखाते हैं वे इस दुनिया में परम साधन है, वो ईश्वर का साक्षात स्वरूप होते हैं। तभी तो बच्ची ने बोला, बोलिए सतगुरुदेव भगवान की जय। बोला कि नहीं? हर माँ का एक ही सपना था पहले कि मैं कम से कम अपनी एक औलाद को, अपने एक बच्चे को भगवान की शरण में दूं। क्या आज भी वो सपना है? है? और जब कोई आता है ऐसा महर्षि महात्मा, ऐसा कोई संत आता है, ऐसी कोई आत्मा आती है जब वो भक्तों को, लोगों को, बच्चों को और आज के युवाओं को भक्ति से जोड़ते हैं, तो उस परंपरा का कहना ही क्या है भाई। विवेकानंद जी महाराज आए उस टाइम में, बंगाल के लाखों युवा साधु बन गए और उन्होंने ब्रह्म उपाधि पाई और उन्होंने ध्यान किया, उन्होंने भक्ति की धाराएं पाई, तो क्या आज उसकी आवश्यकता नहीं है? अरे महात्मा बोध के ऐसे कई देश हैं जहां 12th पास करने के बाद 1 साल तक केवल भक्ति सिखाई जाती है। जब भारत देश में ऐसा होने लगेगा तभी तो मेरा सनातन जागृत होगा। देवता कोई हो, आपका इष्ट कोई भी हो, आपका इष्ट है तो उसी का स्वरूप ना, बोलिए फिर। और भगवान कृष्ण गीता में स्वयं कह रहे हैं, तू कहीं चढ़ा ले, कुछ भी अर्पण कर ले किसी को, पहुंचेगा सब मेरे पास तक। माध्यम बना ले तू किसी को, क्योंकि इस संसार का सबसे बड़ा सर्वे सर्वा मैं ही हूँ, और वो अपना विराट स्वरूप दिखाते हैं जिसमें सारे सितारे हैं, सारे तारे हैं, सारे ग्रह हैं, सब नक्षत्र हैं, सारे सूर्य हैं, सारी धरतियाँ हैं, पृथ्वियाँ हैं, जितने भी इस आकाश गंगा में, तब वो सारी कहाँ दिखाई देती हैं? उनको अंतर में दिखाई देती है कि नहीं? कोई कोई साधन करने आया है, कोई कोई साधन करने आया, करे तो सब भगवान का ही साधन ना। एक बात बताता हूँ मैं आपको, आज हम मानते हैं जो 200 राष्ट्र है क्रिश्चनों के, उनका एक भगवान है ना, कौन है? यीशु मसीह। वो शैतान ही तो निकालते थे, क्या निकालते थे? शैतान। प्रेत को निकालना इसका मतलब ये नहीं है, जो प्रेत की गति करा रहा है उसकी गति ना हो, ऐसा हो ही नहीं सकता संसार में। हो सकता है ऐसा? आप ही खुद सोचो, बुद्धि से सोचो। इसका मतलब ईश्वर ने एक न्याय खाली रखा हुआ है, इसलिए जो प्रेत निकालेगा और लोगों को खाली करेगा और जब वो अपनी भक्ति करेंगे तब उनको आनंद आएगा, और उस आनंद में जो उनको भक्ति मिलेगी तो उनकी लाडली जू का भी मनु भैया को आशीर्वाद मिलेगा। क्या मिलेगा? तो इसलिए कहो, बोल दो, बोलो हे मैया राधा, निकाल दो इस बहन की बाधा। हाँ, और निकालने में मदद तो कौन करेगा ये तो मुझे पता नहीं है, लेकिन एक बच्ची है मेरे पास जिसका गुरु मंत्र बहुत तीक्ष्ण है, तीव्र है, और वो अपनी माता के लिए इसको उपयोग करेगी, है ना? थोड़ी सी बाहर निकाल लोगे तो ऐसे, है ना? आपने शुभ नाम बताना अपना, ये बताइए। अच्छा ये बताइए अब आप क्या कहते हैं कि आपके शरीर में अभी कहीं दर्द है क्या? पूरी बॉडी में अभी पेन है, इसके अलावा क्या फील आपको होता है? नॉर्मल फील कभी भी नहीं होता, कितने सालों से ऐसा होता है? अच्छा उसमें क्या क्या होता है, जैसे उसमें बॉडी क्या फील करती है? गिडी फील करती है, चक्कर फील करती है, क्या क्या फील करती है? अच्छा ऐसे ये था कि ऐसे हुआ था, सिर घूमता था, गिर पड़ते थे उसमें? दो बारी गिर गई थी। तो क्या डॉक्टर को उस टाइम दिखाया था? वर्टिगो क्या है? जब आपका सिर घूमता है ना, हाँ, उन्होंने एक नाम है वर्टिगो, डॉक्टर का लैंग्वेज में, बट मेडिसिन से कुछ आराम नहीं आया। मेडिसिन कितने दिन आपने खाई? मैंने जस्ट 3 दिन खाया, मुझे मैं मेडिसिन
तो इसके साथ सर घूमने के साथ आपको शरीर में दर्द रहते थे, तब आपने दोनों चीजों को जांचा नहीं? गुरु मंत्र जाप करते हैं, आपने भी उन्हीं से नाम लिया है जिनसे बेटी को दिलाया है, प्रेमानंद जी महाराज जी से। जब गुरु मंत्र जाप करते हैं तो क्या गुरु मंत्र को कभी मानसिक जप किया आपने? तो जब मानसिक जप करते हैं तब क्या महसूस आपको होता है? मतलब हल्का फील होता है उस टाइम में, तब उस टाइम में बॉडी में लगता है कुछ रह गया है बाकी, तो इसका मतलब नाम का उस टाइम में प्रभाव होता है, लेकिन वो परमानेंट नहीं बना रहता है ना। एग्जैक्टली वो परमानेंट, तो उसको परमानेंट बनाना है। अभी क्या हो रहा है, घबराहट हो रही है, हाँ अभी मुठियाँ बंद हैं आपकी दोनों, मैं बच्ची के हाथ लगवा दूँ दोनों, कृपा रानी कृपा है महारानी की आज। अब मैं बताता हूँ आपको, हाँ ऐसे ही बेटे दीक्षित ही मंत्र करना होता है, आपका हाथ लगेगा ना बल लगेगा तो तत्व तेजी से आ जाएगा, है ना। अब मैं एक बात बताता हूँ, लोग कहते हैं कि राधा रानी का जिक्र नहीं है, ब्रह्म वैवत पुराण आज का नहीं है, पद्म पुराण आज का नहीं है, इन दोनों पुराणों में माता राधा रानी का जिक्र आता है, आया समझ में। और लाडली जू का जिक्र तो आता ही आता है, इतना बड़ा अध्याय है कि पढ़ते पढ़ते आप परेशान हो जाएंगे। मैं बना रहा हूँ गुरुजी की चिकित्सा की वीडियो, अब वो करते करते क्या होंगे, करते करते क्या होंगे कि ब्रह्म वैवर्त पुराण में पूरे बड़े बड़े अध्याय माता राधा रानी को लेके आए हुए हैं, और पद्म पुराण में भी आया है कि राधा रानी ही क्या है, सर्वे सर्व है, और हम अपने इष्ट को सर्वे सर्वा इसलिए मानते हैं क्योंकि जिस टाइम हम भक्ति करते हैं उस टाइम हमारा इष्ट ही हमें सबसे बड़ा नजर आता है, तो जिसका जो भी इष्ट होता है वो उसको बड़ा मानता है। तब राधा रानी पद्म पुराण में भी है, ब्रह्म वैवर्त पुराण में भी है, और सबसे बड़ी बात जो कहता है श्रीमद् भागवत कथा में उनका जिक्र नहीं आया है, तो राधा रानी के रोम रोम से एक एक गोपिका उत्पन्न हुई है, असंख्य गोपिकाएं हैं, और गोपिका विरह गीत श्रीमद् भागवत कथा में आया है, तो इससे ज्यादा प्रमाण की कोई बात ही नहीं हो सकती। फिर जो कहते हैं उसका मतलब वो एक पुराण का तो जिक्र करते हैं, बाकी और पुराण उन्होंने पढ़े ही नहीं है, कभी नहीं पढ़े हुए, और वो कई पुराणों का हवाला देते हैं, स्कंद पुराण का, ये पुराण का, वे पुराण का, लेकिन पद्म पुराण और ब्रह्म वैवर्त पुराण का वो कभी जिक्र उठाते ही नहीं है, यानी कि इन पुराणों को उन्होंने छुआ तक नहीं है। और बात बनाते हैं कि राधा रानी का नाम ऐसे ही चल रहा है, ऐसे ही चल रहा है, ऐसे ही चल रहा है। अरे भाई कोई भी नाम बाद में आया होता है, नाम बाद में रखा जाता है, पहले वह शरीर की उपस्थिति हो जाती है, पहले उस तत्व की उपस्थिति हो जाती है कि नहीं। और भगवान का प्रेम स्वरूप कौन है, माता राधा रानी। क्या नाम बताया था जी? बोलिए शनिदेव महाराज की, बोलिए परम पूज्य गुरुदेव मनु भैया जी की जय, शनिदेव जय, जय शनिदेव।
आज के सारे युवा सीख लें, आपने कभी किसी चीज से डरना नहीं है। सूक्ष्म शरीर से तो बिल्कुल नहीं डरता है। अगर आपको आत्मा कोई आसपास दिखाई देती है, भगवान का नाम फौरन लेना चालू कर। ये मेरे को छोड़ दो, आप एक पकड़ लो, एक पकड़ लो बेटी। मानसिक जाप करो ना, करो तो मंत्र का मानसिक जाप। लगाओ अपना बल। बोलिए शनिदेव महाराज की, बोलिए परम पूज्य गुरुदेव मनु भैया जी की। ऐसे करो करो करो, जाएगा नीचे, जाएगा बस पे। बोलो जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे। बोलिए शनिदेव महाराज की। एक भी गोली खाने नहीं देना है तेरी मम्मी को, समझ में आ गया ना बेटे? नेगेटिविटी शरीर में जब मौजूद है तब कोई नाम वो लगने नहीं देती, तब वो हमें भक्ति नहीं करने देती। आए ना समझ में? बोलो राधा रानी मैया की जय। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे। बोलते रहो, वृंदावन यही हो जाएगा। ये महसूस कर मुट्ठियों में क्या है, झंझनाहट आनी चालू हुई, कंपन आ रहा है,
महसूस करो। और उठ के कहाँ से आ रहा है था तो? जहाँ से उठ के आ रहा है वहीं बैठा है, वहीं पे इसकी जगह है। कहाँ से उठता है? गले से, छाती से, पेट से भी उठता है कुछ तक? छाती से, हृदय से। हृदय से हाथ तक ही पहुँचोगी, तरंग बन जाएगी। एक बार बनी फिर दोनों हाथों में चलेगी लगातार, चालू हो गई। यह अभी नहीं, अभी महसूस नहीं होने लगी है, थोड़ी थोड़ी। हाँ वो आ जाएगी। उठी बंद रखो अपना जो मैं। आज ही ठीक होना है, कल से नाम जब चालू करना है, वरना कुछ नहीं मिलेगा, जीवन जाता हुआ है आगे ना। सबको अलग अलग काम मिले, मनु भैया को जो काम मिला है वो इतिहास रचेगा एक दिन, ये लिख लो। बोलिए शनिदेव महाराज की जय। हो गया, मुठियों में आना चालू। लाओ थोड़ी सी और मदद कर देता हूँ मैं, कान में हल्की सी फूंक लगा देता हूँ। वो वहां से सब जगह से खींच के आएगा, सब हाथों में आ जाएगा, आप अपने होश में आ जाएंगे, बस बिल्कुल ठीक होता चला जाएगा। ग्रेजुएट हैं आप, अपने शरीर को रोक नहीं पा रहे ना, हाँ थोड़ी देर में आप देखना, जब तत्व कम हो जाएगा आप अपने शरीर को रोक पाएंगे, दुनिया को बता पाएंगे। तत्व होता है नेगेटिविटी, वो दिखती नहीं, हमें बहुत परेशान करती है, हमारे जीवन को तबाह करती है, हमें बहुत दर्द करती है, डॉक्टर से जाती ही नहीं है, पूरे शरीर में दर्द रहता है और डॉक्टर हमें बीमारियाँ बताता है। बोलिए शनिदेव महाराज की, बोलिए परम पूज्य गुरुदेव मनु भैया जी की। ठीक है, हमने सोचा हुआ है प्रेत का एक बहुत बड़ा आकार होता है, ये नहीं पता वो छोटा सा गोला होता है, बिंदु मात्र होता है, और वो हमारे शरीर में धस जाता है और उसके आने जाने के रास्ते हैं दुनिया भर के। अपने ना पुराण पढ़ते, ना इतिहास पढ़ते, ना अपनी कथाएं पढ़ते, कुछ नहीं पढ़ते हम लोग। और वो किसी को भी आएगा एक दिन, खूब भक्तों को आएगा, बड़े बड़े भक्तों को आएगा, सबका जीवन तबाह कर देगा वो एक दिन, बढ़ता जा रहा है उसका काल, आता ही उस रूप में। अब मुट्ठियों में क्या हो रहा है कोई पूछे तो? कंपन हो रहा है, ये रोक नहीं पा रही है, हम भी नहीं रोक पा रहे थे मुट्ठियां तो पकड़ के भी नहीं बेटा। हाँ झूला झूला रही है राधा रानी। बोलो राधा रानी मैया की जय। राधे 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 हरले सब बाधे। बोलो राधा रानी की जय। मेरे सद्गुरुदेव भगवान की बोल दो भाई, जय जोर से बोला करो जय। सब बढ़िया, सब बढ़िया बढ़िया। देखा एक ही दिन राधा रानी का नाम लिया, दाल की कचौड़ी आ गई है। हमने राधा रानी के नाम से पहले हवन किया हुआ है भाई, तुम्हें ना पता हो तो, किन से कराया था? एक भैया थे वो भी राधा जी के भक्त थे। हाँ वो राधा रानी का नाम लेते थे है ना, उनकी माता जी भी लेती थी। नहीं नहीं वो उन्होंने तो कोई और मंत्र जपा था, वो नहीं वो हाँ वो हाँ वो राधा रानी का नाम।
बोलिए शनिदेव महाराज की। कल ऐसा एक और भी तो करता था होप होप। तेरा ही करता था क्या होप होप? हाँ हाँ, एक माता जी थी शायद, है ना, ऐसे करता था वो। कौन था वो? तेरा था? कल आई थी क्या कोई? निकालो मुझे, निकालो मुझे, मुझे निकालो, सब निकल के फिर ही होगी। निकालो मुझे, निकालो, निकालो। हाथों से मुट्ठियों में आ रहा है? नहीं, चल कहाँ से रहा, उठ कहाँ से रहा? छाती से महसूस हो रहा है कहीं और से? हाथ से, हाथ से, हाथ से, हाथ से, हाथों, दोनों हाथों में, एक में, दोनों हाथों में, दोनों हाथों में, और ये मुट्ठी में प्रेशर हो रहा है बहुत ज्यादा। गले से आएगा ना, छाती से नीचे से ऊपर आ गया, गले में से ही आ रहा है ना सारा, मुख में, गले बोलिए शनिदेव महाराज की। बोलिए परम पूज्य गुरुदेव मनु भैया जी की। बस गया 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 गया, ये देख क्या हो रहा है, क्या हो रहा है ये देख।
क्या हो रहा है, ये देखिए देख क्या हो रहा है, क्या हो रहा है। हाँ जी, क्या पूछना चाह रहे थे? नहीं, जैसे मान लिया प्रेमानंद जी तो प्रेम का ही स्वरूप है ना, वो तो राधा रानी से प्रेम करते हैं, प्रेम सिखाते हैं, प्रेम ही सिखाते हैं, प्रेम ही करते हैं। सबका गुरु अलग है, सबका तत्व अलग है, सबकी प्रेरणा अलग है, किसी से कोई भगवान ईश्वर कोई काम कराता है, किसी से कोई काम कराता है। मैंने कहा ना, देखो अंग्रेजों में भी जाके उन्होंने क्या किया, क्या किया अंग्रेजों, यहाँ के अंग्रेजों के यहाँ जाके पैदा हुए, क्या किया? और प्रभुपाद जी महाराज जी ने उन्हें हरे कृष्ण हरे राम का वो सिखाया, ठीक है ना। तो उनकी सेवा वही लेनी है जिस ईश्वर ने, जिस शरीर से जो सेवा लेनी है वही तो करेगा। कोई प्रेम भाव में भी बोर होगा तो कुछ तो ऐसे हैं जो गाते गाते रहते हैं हरे राम हरे कृष्ण वाले, तो वे तो गाते रहते हैं, ये केवल मानसिक जाप करते हैं या जीभ से जप करते हैं राधा रानी का। तो सबका तत्व अलग अलग है, सबका कार्य अलग अलग ईश्वर ने सौंपा हुआ है, सबके काम अलग अलग है। मेरा काम है नेगेटिविटी निकालना, बाद में भक्ति में लगा देना, वो नाम कोई ले साधन कोई ले। मेरा अपना साधन क्या है कि मैंने एक ही साधन उत्पन्न किया है 20 साल में, ये जैसे क्रिश्चनों में ईसा मसीह प्रेत निकालते थे ना, शैतान को ही तो निकालते थे, तभी तो लोग ठीक होते थे, उसके बाद ही तो वो ईश्वर की चौखट तक पहुँच सकते हैं, पहले कैसे पहुँच सकते हैं। अगर अपने दीक्षा भी ले ली, मान लिया इनकी दीक्षा होगी, इनके साथ ये फायदा हुआ कि बेटी की बेटे की दीक्षा होगी या पति की दीक्षा होगी, वे तो प्रेत से ग्रसित नहीं है ना, वे तो ठीक हो जाएंगे, ठीक है ना। लेकिन इनका जप नहीं लग रहा है, तो वही तो यहाँ लेके आई है राधा रानी, और कौन लेके आया है, वही लेके आती है राधा रानी की कृपा से इनका यहाँ आना है। हाँ? मैं ये फील कर रहा हूँ कि इन्होंने राधा रानी की अच्छे से भक्ति या पूजा पाठ मन से किया, तभी उनको रास्ता मिला कि आपके यहाँ इनका आना हुआ। हाँ, वरना तो कहीं भी भटकाते रहते, अदरवाइज जितनी भक्ति करती है अंदर वाला कष्ट निकलने वाला इस जिंदगी में, भक्ति ये अंदर वाला कभी भक्ति करने ही नहीं देता ना, और फिर इसको कोई जानता नहीं मानता नहीं। भागवत कथा कराई गुरु जी से, उसके बाद भी समस्या। हाँ, भागवत कथा आप कराते रहे पितर, 7 दिन तक 4-4 घंटे की हम एक टक हो गए, हमने सुनी है फिर, और बिल्कुल अभी मैं नोट पे बहुत अच्छा ज्ञान हुआ, लेकिन जो कष्ट है वो नहीं निकला जो अंदर का। बोलिए शनिदेव महाराज की, वो कष्ट सिर्फ आपने ही निकाला, मैं भी शास्त्र में। सबकी अलग अलग सेवा लगनी, हमारी यह सेवा लगनी है संसार। मैं तो इस बिटिया को प्रेरणा दे रहा हूँ, नाम कोई भी हो कुछ भी निकाला जा सकता है। नहीं तो आज इस बेटी को पता चल गया ना, मैंने यही तो रियलाइज कराया उसको। पढ़े लिखे बच्चे नहीं, वो भी तो ग्रेजुएट ही है, जान पूछ के कौन अपना शरीर लाएगा, वो भी अपने बच्चों के सामने और दुनिया के सामने। तो पढ़ा लिखा आदमी वैसे ही शाही होता है। बहुत ढीठ हूँ मैं। सब चला जाएगा, ढीठ घाट। दर्द पूरे शरीर में कहाँ है? दर्द है इस टाइम कहीं भी पूरे शरीर में, दर्द तो नहीं है, गायब हो गए दर्द सारे शरीर के? कमर में है। कहाँ है? यहाँ और भी नीचे, यहाँ देखो अब कहाँ है? अभी जाइए, होने दो।
आप अपने आप को रोक कोशिश करो, जाप करो। बोलिए शनिदेव महाराज की, बोलिए परम पूज्य गुरुदेव मनु भैया जी की। ये आज के गुरुओं को देखना पड़ेगा, दोष कितना है कितना नहीं है, पैमाना तो कोई होगा ना। आखिरकार इन चीजों के नाम है तो कहाँ है, ये तो ढूंढ ही नहीं रहा ना कोई। ग्रंथों में इसका भी मतलब वर्णन नहीं है। जितने बड़े मेरे गुरु हनुमान तो सदगुरु के मतलब गाइड नहीं करता, क्योंकि इस विद्या की तरफ उनके कहीं ना ग्रंथों में आया, ना ज्ञान में आया, ना इसमें आया। विद्या गंदी है ना, आप समझे नहीं, 90 साल तक चीजें गंदी हैं तो अटैक करती हैं, गालियां देती हैं, अटैक करती हैं, महात्माओं को भी रोक देती हैं। एक सिद्ध पुरुष थे, सुनिए मेरी बात, वन में से जा रहे थे, वहाँ पे वन में एक प्रेत की पूजा होती थी, उस प्रेत को उन्होंने नमन नहीं किया। 1 किलोमीटर के आगे दायरे पे जाके, उनका शिष्य भी ब्रह्मर्षि था, आगे जाके 1 किलोमीटर के दायरे पे जाके हाथ से गड्ढा खोद के वहीं टॉयलेट पे बैठना पड़ा, वही टॉयलेट बना के, मतलब इतने बुरे दस्त लग गए उनको। वापिस प्रसाद बोला, माफ़ी मांगी ध्यान में जाके, तब जाके उनको वो छुटकारा मिला, तब जाके वो स्वस्थ हुए। ये देखिए तो कितना प्रेत कोई साधारण थोड़ी, जब भगवान कृष्ण से हरिवंश पुराण में लड़ रहे हैं तो किससे नहीं लड़ेंगे भाई। और जब तक ये शरीर में तब तक आपकी कोई भक्ति नहीं, मैं ये कहता हूँ 0% मानना ही नहीं है कोई भी मंत्र इनको। बोलिए शनिदेव महाराज की। बीच में से टूट गई है, आगे से नीचे गिर गया। इसको छोड़ दो, इसको पकड़ लो, इसको प्रत्येक मंत्र के प्रसरण में आता है, प्रत्येक मंत्र से जो है प्रेतादिकों का नाश हो सकता है, लेकिन दूसरे का कौन करे, अपने का तो सब कुछ कर ले। विद्या तो बहुत पहले से ही है भाई, हैं जी, तुलसीदास जी ने भी निकाले हैं, कबीरदास जी ने भी जल पढ़ के दिया है, बीमारियां ठीक की हैं लोगों की। प्रमाण है बकायदा, शारीरिक रोग तो कोई ठीक कर ही नहीं पाया आज तक। बोलिए शनिदेव महाराज की, बोलिए परम पूज्य गुरुदेव मनु भैया जी की। जय शनिदेव, जय जय शनिदेव। में टाइम लग जाएगा, तू मेरे को उस पे भेज दिया मोबाइल पे, मेरे मोबाइल पे भेज दिया ना मेरे को। वो सुनील का नंबर ले ले, उस पे भेज दे, सुनील मेरे पास भेज दे, लगा रखे हुआ सामने व्हाट्सएप पे 811। मैं जैसे कुछ भी चढ़ाऊं मेरा दर्द तो नहीं पड़ेगा।
जो भी बात करोगी रिकॉर्ड होगी। चलिए जाइए, कुछ नहीं होगा, जा। बोलिए शनिदेव महाराज की। सारी फर्जी आईडी है। अरे लगा के बांट दियो बच्चों में, खिला वो तो बांट दो, दर्द तो नहीं बढ़ेंगे। अरे नहीं बढ़ेंगे, मैं आप देख लूँगा तो कहाँ ही तुम चल सकते। क्या कह रही है? तीन दिन से हालत ज़्यादा खराब। वो तीन दिन से ही चालू है, जिनको पितृ दोष है उनका पितृ दोष बढ़ेगा ही। बोलिए शनिदेव महाराज की। अगर किसी को जल्दी जाना है तो मनोज भैया से करा सकता है अपना हवन। नहीं है ना दर्द कहीं, जकड़न रहेगी बस। अच्छा थोड़ा सा मुट्ठी बंद करके एक बार जाएंगे। अभी की बताओ अभी क्या होगा। दर्द कहाँ है अब सारे है? अरे यशस्वी की मेहनत को तो भाई हम नमन करते हैं भाई। आपकी मम्मी से पूछो अब दर्द कहाँ है। अच्छा गले लग ले, गले लग ले, गले लग ले, गले है ना तेरी ओ गोदी में बैठ गई है तो तेरी बेटी तो भगत बनेगी है ना, भगवान की है ना, राधा रानी की सखी बन गई है तो भाई। ऐसे प्रेम हो गया भाई है जी। बोलिए शनिदेव महाराज की। जय श्री राधे, जय श्री राधे। ओ हो हो, अब तो ये मुझे तुझे वैसे भी ना दे गोदी है कि नहीं है, अब ना दे ये, अब तो इसको तेरी कीमत समझ में आ गई है।